अगेन वेलकम बैक टू सिस्को टेक यूट्यूब। और आज वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी में आज एक हम बहुत ही अमेजिंग व्हाट इनसाइड द जंगल यानी कि एक ऐसा हिडन वाटरफॉल की आज खोज करेंगे या देखेंगे आज स्पेशल ट्रेवल फिल्म वीडियोस में। और आज बेसिकली अपन जा रहे हैं विजया वाटरफॉल्स या विजय जलप्रपात। तो आज हम गाइस जाने वाले हैं विजय वाटरफॉल यानी कि विजय प्रपात पचमढ़ी। ये बहुत ही डेंजर प्योर फॉरेस्ट वाली लोकेशन है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको कैसे आना है, कैसे जाओगे, ऑफकोर्स इस ट्रेवल फिल्म वीडियोस में आपको मैं बताते जाऊँगा। प्योर जानवरों वाला भी इलाका है तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक गाइड लेकर भी आना पड़ेगा, मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसा क्या प्रोसेस रहेगा। ऑफकोर्स कि इस लोकेशन पे फ्री नहीं है भाई साहब, इस लोकेशन पे आपको प्रॉपर डू कॉन्टेक्ट बाइसन लॉज, वहाँ से आपको एक प्रॉपर सतपुड़ा की पर्ची या टिकट बन जाएगी। फिर उसके बाद आप सफारी टैक्सी एंड वॉट एवर और गाइड के साथ इस लोकेशन पर आ सकते हो। ये एक ऐसी लोकेशन है बेसिकली कि यहाँ पर एक्चुअली बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, जानवरों वाला इलाका है क्योंकि अकेले दुख के लिए आ नहीं सकते। अब हमारा तो देखा ही इलाका है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर नए हो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपको इन सभी सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये समझो कि ये वाटरफॉल आज तक आप किसी ने मुझे लगता नहीं दिखाया होगा, फर्स्ट टाइम ये रिलीज हो रहा है। बहुत ही डेंजरस और सुपर बहुत ही सुंदर वाटरफॉल आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ इस लाइन में बहुत सारी हिडन लोकेशन है, जैसे कि प्रभु कुंड हो गया, सुंदर कुंड हो गया और बहुत सारी लोकेशन जो आपको मैं आगे रास्ते में हम गाइड भी करते जाएंगे। और हर बार की तरह आज हमारे साथ हमारे दोस्त भाई है घनश्याम अंकल, फिर आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपन ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं विजया वाटरफॉल, मतलब कि विजय जलप्रपात। विजय नाम है एक्चुअल। ये गाइस ऐसा हिडन वाटरफॉल है कि आप बोलोगे वाओ। इसके पहले मैंने एक दो ट्रेवल फिल्म स्पेशल रिलीज़ कर दी है, रम्भिया कुंड, क्या गजब था वो भी। कोशिश की है, काफ़ी मेहनत लगी है गाइस, तो आप अपना प्यार भी बरसाते रहे क्योंकि अपन वीकली शूट कर रहे हैं अभी। और हर बार की तरह ये अच्छा, अपन किसी रोड पे आ गए हैं चलते चलते, यानी कि जो ये वाला वाटरफॉल है ये हेलीपैड से सिंगल रास्ता आपको कम से कम 10 किलोमीटर सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। पैदल आपकी जो भी, अगर आप बाइक वाइक से आते हो तो बाइक डचेस फॉल के मेन गेट पर खड़ी हो जाएगी। मतलब ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है डचेस वाटरफॉल। क्या सुपर अद्भुत वाटरफॉल है जिसका कंप्लीट ट्रेवल गाइड बनाए। चेक दिस आउट गाइस, सिस्को टेक यूट्यूब पर मिल जाएगा। अपन ने इसको बारिश में शूट किया था, गजब है, गजब ही है। जिसमें गुली ने बहुत इन्जॉय किया था, शायद खूब ही मस्ती की थी, आज भी याद है। मैंने रात को रिव्यू किया था उस वीडियो ट्रेवल फिल्म का। और हर बार की तरह अपने साथी रहे वो देखो साथ में, क्योंकि ये लोकेशन है जानवर वाली। अभी देखा ना, भालू ने ऐसे गड्ढे खोद दिए इधर, मैं दिखाऊंगा आगे आपको। तो अगर आप नए हो, आपको पता ही नहीं, तो आपको थोड़ा सेफ्टी से आना है यहाँ। और अपन तो आप लोकल के तो हम पता नहीं है, तो भी क्या है, एक बंदा साथ में ले आना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो फाइनली विजय वाटरफॉल या विजय जलप्रपात बोल लो हिंदी में। तो आज हर बार की तरह गुली चल रही है सामने, ये देखो। तो लगभग की भयंकर कठिन ट्रैकिंग है और ये ऐसा हिडन वाटरफॉल आपने देखा होगा का यात्रियों ने, लेकिन वाव व्हाट अ लुक मैन, देखो अमेजिंग सीनिक व्यू। ये धूपगढ़ है, हर हर महादेव। ये है मेमोरियल पॉइंट अंदर गड्ढे में, और संगम मैंने जो दिखाया था वो उधर रह गया। अब ये जो पॉइंट है ये डचेस वाटरफॉल वाला पॉइंट है,
मतलब कि इस वाटरफॉल विजय वाटरफॉल आने के लिए आपको डचेस के मेन गेट तक तो आना ही है, उसके बाद क्या थोड़ी आपको रास्ता बताना ज़रूरी है। और डचेस वाटरफॉल के पास आपकी गाड़ी वाड़ी व्हाटएवर खड़ी हो जाएगी और आपको गाइड भैया लेके चले जाएंगे। आपको कुल मिला के बात यह है कि एक लोकेशन पे पूरा एक दिन लग जाएगा अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो तो। अभी क्या हम शूट करते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, आपको बताते भी जाना है, इसलिए हमको पूरा एक दिन एक लोकेशन में लग जाता है। और ये हेलीपैड से या डचेस वाटरफॉल का जो मेन गेट है वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर का पैदल ही चलना पड़ेगा। जी हाँ, और जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल है, रास्ता क्या है, भूल भुलैया है। इस वाटरफॉल का रास्ता एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े गेट, हाँ ये इधर भी भैंसा आया था, ये देखो, हाँ इधर भालू है भैया, भालू बहुत है, ये देखो भैंस ने जो वो बाइसन होता है ना जंगली भैंसा पूरा छिल गया, ये देखो, मतलब वो अपनी खुजाने के लिए। चलो हाँ, विजय प्रपात अलग है, डचेस देखो डचेस का क्या है ऑफिशियल लिस्ट में नाम है, ये भी चढ़ जाएगा कुछ दिन में, ये अब चढ़ जाएगा अब तो, अब ये रिलीज होने के बाद। वैसे गाइड भैया लोग काफ़ी डिमांड रखते हैं कि भैया इसको लिस्ट करो, उनने ऑलरेडी भेज रखा है। तो एक्चुअली क्या है यार, जानवर को भी देखना पड़ता है ना, फटी पड़ी रहती है, जंगल में घुसते हैं ना, सतपुड़ा टाइगर और वन विभाग कोई भी रिस्क नहीं लेता है, टिकट में साफ लिखा रहता है पढ़ लेना पीछे, ये अपनी रिस्क पर आना है आपको, मतलब क्योंकि भाई बिना जानवर के जंगल अधूरा है ना, अब अपने लिए जानवरों को थोड़ी बांध के रखेंगे। अब जैसे कि ये देख रहे हो आप, भालू ने कैसे गड्ढे किए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो ये भालू ने खोदा है, और दिखाऊंगा बड़े बड़े, खोदता है ना वो खाने की तलाश में, ये सब रात में करते हैं लफड़े ये। हाँ तो इसलिए मैं आपको ऐसी लोकेशन दिखाता हूँ समथिंग लाइक थोड़ी कि जिसने बिल्कुल देखी ना हो, व्हाट इनसाइड द जंगल, ये अपना टैगलाइन रहेगा। और ऑफ कोर्स वेलकम टू सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। और 2022 आने वाला है, एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। गुली हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो सामने आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, ये हस्तचल है भाई साहब, ये देखो इसकी फोटो काफ़ी वायरल होती है, अभी अभी पास में चल के मैं दिखाता हूँ कुछ शॉट। वाव गजब ना, मौज कर दी बेटे। चलो अभी तो बहुत कुछ है, 10 किलोमीटर मैंने बताया ना, हेलीपैड पचमढ़ी से ये देखो, अरे यार ओ माय गॉड क्या है ये भाई, देखो किस्मत अच्छी रहेगी तो कोई एक आध बाइसन दिखा दूंगा मैं आज आपको, लेकिन अभी मुश्किल से मिलेंगे अंकल एक आध बाइसन, जो जंगली भैंसा होता है उसको मजाक में नहीं लेना आप, वो दौड़ता है ना तो। हाँ तो क्या है, वो अपना महादेव कहीं से भी कब निकल के आ जाए उसका भरोसा नहीं, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब, मैं शेर की बात कर रहा हूँ, सब उसी का है, कर भोलेनाथ की कृपा से आज तक आज नहीं आने दी, आने भी नहीं देगा, क्योंकि अपन रिस्केबल लोकेशन में ही घुसते हैं। और ऑफकोर्स गुली रहती है साथ में, अपन लोग क्या भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पेड़ पे चढ़ सकते हैं, लेकिन आपके साथ में लेडीज़ है, गर्ल्सेस है, तो आपको गाइड लेके आना है। मेरा कहने का मतलब है, आप लोग पूछ रहे थे यार थोड़ा पचमढ़ी महंगा हो गया, क्या कर सकते हैं, कोविड के कारण हुआ है सब, गलती इन लोगों की नहीं है, सब कुछ देखा ना, डीजल पेट्रोल महंगा, तो कार टैक्सी वाला ऑफकोर्स ना अपने पैसे सोचो। और वाव हस्तांचल का पहाड़ सामने, यहाँ कुछ फोटो शूट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, तो विजय वाटरफॉल, व्हाट इनसाइड द जंगल, बाप रे कठिन ट्रेकिंग है, चलना है आपको, सोचते ना नहीं है। ये जो आगे पहाड़ दिख रहा है, मैं अभी जो आपको शॉर्ट में दिखाया है अभी दिखाता हूँ, ये है हस्तांचल पहाड़। बहुत ही अमेजिंग अजीबोगरीब डिज़ाइन है ये पहाड़ को। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कुछ समय पहले, जब नागद्वारी यात्रा चलती है ना, ये देखो, वाव, ये है हस्तांचल पहाड़। और इसी पहाड़ के नीचे कुछ रॉक पेंटिंग्स है, तो इसके लिए आप थोड़ा टाइम है तो रुक के देख के आगे वाली लोकेशन पर निकल सकते हो। लेकिन अभी मैं दूर से ही दिखाऊंगा, और अपना मेन टारगेट है आज विजय वाटरफॉल, इसलिए अपन यहाँ अभी जाएंगे नहीं, यहाँ बस दूर से इसके किनारे किनारे ही जाना है आपको। और यहाँ पर इस लाइन में रास्ता थोड़ा ऐसा ही है भाई, इस वाटरफॉल का रास्ता पक्का भूल जाओगे आप लोग, अकेले का बस का नहीं है तो आप लोगों को प्रॉपर। अच्छा, आप जैसे कि मैंने बताया, हस्तांचल पहाड़ देख रहे हो आप, वाह ये देखो, अमेजिंग। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ दिखा दूँ, अमेजिंग। और इस पहाड़ के पास रॉक पेंटिंग्स है, एक हेरिटेज। हाँ देता हूँ ना, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ। ओके गाइस, तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं, ये है हस्तांचल पहाड़, वाव। और ये बस एक छोटी सी रास्ता है, इसी के किनारे किनारे आपको जाना है विजय वाटरफॉल के लिए। और इस हस्तांचल पहाड़ यहाँ से भी जाके रॉक पेंटिंग ऊपर देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लुक्स आपको दिखाई देगा। और देख रहे हैं आप, बिल्कुल घमासान है भाई साहब, कम ऑन गाइस, कम ऑन। तो लगभग अंकल कितना, 3 आ गए अपन, है ना? हाँ, तो क्या वो डिस्टेंस वाइज मैं बता रहा हूँ। चलो भाई साहब, तो अब अपन काफ़ी अंदर घने जंगल में आ चुके हैं, वाव क्या लुक है सतपुड़ा टाइगर का। और इसी में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ, इस साल पचमढ़ी उत्सव का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, क्या मालूम भाई साहब, मुश्किल लग रहा है लेकिन प्रस्ताव गया है, अब डिपेंड करता है कोरोना के ऊपर सब कुछ। क्या है, ये ऐसे घाटी गड्ढे हैं, आपको बड़े ही आराम से उतरना है, समथिंग लाइक दैट, ये देखो, वाव। और अभी हम हस्तांचल पहाड़ के बगल बगल से जा रहे हैं, ये देखो, और वाव। तो आप क्या है, जैसे कि जो नागद्वारी की घाटी होती है ना, बस ऐसा ही कुछ है, ये देखो, आराम से है ना, गुली को भी धीरे धीरे अपन एक एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देखो कहाँ है आप, अभी ये देखो बस ये ऐसे से निकल के जाना है उसको, अरे रे माय गॉड, हाँ बांध लो, हाँ माय गॉड। तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, आज तो देख इस वाटरफॉल को ढूंढ के ही रहेंगे, हाँ बांध लो, क्योंकि कांटे हैं बहुत ज़्यादा जो, हाँ तो आपको ये जालियों से आराम से चलना है यहाँ। ओके गाइस, तो काफ़ी अंदर घने जंगल में आ चुकी है, कुछ दिखा देता हूँ आपको। अभी हम एक ऐसे पॉइंट, ये है अपना हस्तांचल पहाड़ के नीचे वाला भाग, अभी एक्चुअली हम ट्रेकिंग वाले रास्ते से जा रहे हैं,
जो कि थोड़ा कठिन है, कठिन तो शब्द जैसे, ये जो आपको खुला खुला भाग दिख रहा है ना, ये डचेस फॉल जो रास्ता जा रही है, और वहाँ पर उसका जो मेन सेकेंड, वो देखो एक कार आ रही है, वो देखो टैक्सी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, वो देखो एक टैक्सी आ रही है, देखो चढ़ रही है ऊपर, वो देखो। तो ये जो रास्ता है वो जाएगा डचेज की तरफ, मतलब कुल मिला के ये बात है कि विजया वाटरफॉल या मतलब, हाँ हाँ वो देखो मैं दिखा रहा हूँ उसको, ट्रैक कर रहा हूँ मैं भी, ये देखो मैंने ट्रैकिंग पॉइंट भी लगा रखा है कैमरे में कि वो दिखे। अच्छा मैं यहीं आप रहो, देखो मैं दिखाता हूँ, वो देखो वो वो देखो एक जिप्सी आ रही है, मोर भी हम ही है इधर। हरियार हरार महादेव, हरार महादेव, वो बेचारा रुक गया। हाँ तो बहुत ही अच्छा यहाँ से मैं, तो गाइस मेरे कहने का मतलब था, यहीं पर एक मिनट अपन ने लगा दिया, कि ये जो रास्ता आपको दिख रही है ये जाती है डचेज फॉल, वहाँ से भी वो सफारी वहाँ तक जाएंगी आपकी जो फोर व्हीलर है ना, और वो आपको निकाल देंगी विजय किले। विजय वाटरफॉल का रास्ता एक्चुअली ना भूल भुलैया वाला है, कुल मिला की बात है, ये ऐसे पेड़ गिरे बड़े बड़े। अभी अपन पैदल वाले रास्ते से जा रहे हैं हस्तांचल के बगल से, और फिर वो जिप्सी टैक्सी उधर खड़ी हो जाएंगी, उधर से भी आपको पैदल ही चलना पड़ेगा भाई साहब। देवरिया देखो ये एक एक से आराम से उतरना है आपको। ओ सिट सिट, रुक जा आराम से गुली, बहुत आराम से चलना पड़ेगा। आप अपन घाट उतर रहे हैं देखो, ओ यस ओ ये कम ऑन, हाँ ओ, तो ऐसा भयंकर सा आम का पेड़ गिरा है, यहाँ से निकलते हैं। अब ये जो वैली है ये वही वैली है जिसके किनारे किनारे अपन जा रहे हैं। बाप रे, ओ माय गॉड, आराम से ये एक्चुअली पेड़ गिरा है आम का, ऐसे ही है भाई रास्ता पूरा। और ये जो दिख रहा है ना आपको खुला भाग, ये देखो ये कौन सी, ये वही है डचेस फॉल की वैली जो आपको हम पहले दिखा चुके हैं। ओह माय गॉड, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे, ओ माय, नीचे मुड़ के जाना है, तो ऐसे झुक के कूद के एक एक पैर आराम से उतरना है घाटी में, क्योंकि आसान नहीं है भाई साहब इस वाटरफॉल जाना। इधर है भालुओं का एरिया, इसलिए हम पूरी तैयारी से आए, क्योंकि भैंस यानी कि बाइसन, अपने सामान आ गए ना बरोबर? चलो चलो, आप बोलोगे अपने साथी लोग ये आगे चल रहे हैं, पूरी इधर क्या तैयारी से आना पड़ता है भालू की, आपके बस का नहीं है, आप तो वाले रास्ता को प्रेफर करना नीचे डचेस वाला। तो डचेस वाटरफॉल का ट्रेवल और वीडियो फिल्म जरूर देखना, एक्चुअल में जो फील आएगी आपको, उठा लो लकड़ी उठा लो, यस गुड, आपके साथ गाइड है तो कोई चिंता नहीं करना। ये देख रहे हैं आप, कसम से ये है हस्तांचल पहाड़ भैया, इसको मैंने भी पहली बार ही देखा है, कुछ फोटो शूट की दूर से तो वो देखा ना कैसा धासु दिखता है, आज बिल्कुल करीब से फील कर रहा हूँ मैं भी। हाँ इधर तो अपन कई बार आ चुके हैं, लेकिन एक ही रास्ते में दो तीन लोकेशन रहती है तो वैसा है। अच्छा पचमढ़ी में नेटवर्क की बात करें तो आइडिया एयरटेल जियो, ऑफकोर्स BSNL को प्रेफर, सस्ता भी है सुंदर भी है टिकाऊ भी है। हाँ ऑफकोर्स 4G नहीं है, बट 3G आपको धोखा नहीं देगा, पचमढ़ी में BSNL इज एब्सोल्युटली फाइन, और आइडिया एयरटेल तो भैया सिर्फ सिटी में फुल 4G मिलेगा सिटी में, बाकी आसपास कुछ भी नहीं है। अभी मैं जैसे कि मेरा फ़ोन चेक कर रहा हूँ, नो नेटवर्क, सिर्फ BSNL का आ रहा है, और अभी तो सभी ऑपरेटर ने वो बढ़ा दिया है रेट, तो आपको BSNL, मेरे पास सभी, अपन तो BSNL वाले हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ मस्त भैया,
क्योंकि इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सभी को पोर्ट करा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि हर जगह हाँ इतना ही है। नेट सर्विस में 3G आपका यूट्यूब आराम से चल जाएगा। तो ये था सतपुड़ा टाइगर, पचमढ़ी, तमिया, ये आसपास, और ऑफकोर्स मटकुली और पचमढ़ी में BSNL मक्खन सा चलता है, क्योंकि ऑफकोर्स कस्टमर क्लाइंट्स कम है ना, तो जितना है 3G का लोड आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं पब्लिक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, नॉट पॉट हमारा नेटवर्क। चलो भाई, फाइनली इतना हस्तांचल पहाड़ की ट्रेकिंग करके अपन इस पॉइंट पर आए हैं। ये जो मेन रास्ता है, जैसे मैं बताते आ रहा था ना कि सीधी डचेस फॉल की रास्ता ये की चाय की दुकान तक आ जाती है, और ये एक्चुअल में डचेस फॉल का रास्ता है। ये नीचे आपको डचेस फॉल ले जाएगा, और वहीं से फिर हम आगे दिखाते हैं आपको विजय वाटरफॉल की। डचेस फॉल का स्पेशल अलग से ट्रेवल फिल्म बनाया है, तो चेक इट आउट गाइज। लेकिन ये दोनों वाटरफॉल की समथिंग रास्ता एक ही है, दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। एक हस्तांचल पहाड़ होती हुई जहाँ से अभी जंगल में से आए हम, तो आपको कई सारा व्यू देखने को मिल गया। एक ही मेन रास्ता है पैदल। अब ये गाइस, वेलकम टू अगेन बोथ ऑफ वाटरफॉल, डचेस एंड विजय। सच में ये दो वाटरफॉल बहुत धासु है। अब ये जो रास्ता दिख रही है ना, अब अपन मेन रास्ते पे आ गए। थोड़ा सा सीढ़ियाँ है क्योंकि ये नीचे डचेस उतर रही है अभी। ये बहुत उतरना है अपने को अभी, बहुत। ये देख रहे हैं आप, वाह यार, मैं बता नहीं सकता। मेरे को पिछले साल की याद आ गई, डचेस फॉल को हमने बारिश में शूट किया था। ये देखो, वो देखो गुली जा रही है, और ये देख रहे हैं आप, धूपगढ़ दिख रहा है यहाँ से, वो देखो सीधा। ओके, अब हम क्या है, टाइम कम है, स्पीड से उतरते हैं, क्योंकि ये हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, क्योंकि डचेस से ही आपको विजय वाटरफॉल जाना है। तीन रास्ते हैं, तो आपको जो रास्ता लगे। ओके गाइस, तो विजय वाटरफॉल जाते तक 10 किलोमीटर का भयंकर कठिन जंगल ट्रैकिंग रहेगा। विजय वाटरफॉल और लगा रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसी रास्ते से आपको डचेस फॉल पहले मिलेगा, जो कि भयंकर धासु वाटरफॉल है, जिसका वीडियो ट्रेवल गाइड स्पेशल अलग से बनाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक दिन पूरा एक ही लोकेशन पर लग जाता है, क्योंकि ये लंबी है। और डचेस वाटरफॉल तो आप अकेले भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विजय उसके आगे जाने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है। बस टिकट निकाल लो, कोई 150-20 रुपये लगता है, डिपेंड करता है कितने लोग हो, और बस सीधे डचेस फॉल की रास्ता बाइक से, कार से, टैक्सी से, ये सब कुछ मेन गेट पर आपको खड़ी कर देना, और फिर पैदल ही चलना पड़ेगा, और इतना पैदल चलना पड़ेगा कि बाप रे, हालत ख़राब हो जाएगी। देख रहे हो, ये देखो गुली आ रही है, वो देखो उधर, वो देखो। तो ये वही घाटी है जो मैं आपको पिछले साल दिखाया था, क्योंकि वाटरफॉल डचेस को अगर शूट करना है या फोटोग्राफी अगर आप करने आते हो या घूमने, मान लो, तो बारिश में और ठंड में, गर्मी में क्या पानी कम रहता है और मज़ा नहीं आती है, समथिंग लाइक दैट। ये देख रहे हो आप, हाँ क्या करें, खतरनाक जंगल जानवरों वाला इलाका है भाई साहब। हम तो क्या है, लोकल के हैं, तो जब हमको टाइम मिला हम उठ के भाग लेते हैं, लेकिन आप नए हो, यात्री हो, तो आपको क्या है, गाइड लाना ज़रूरी है ना सेफ्टी के लिए, है कि नहीं। चलो, क्योंकि रास्ता नहीं पता तो कहाँ जाओगे। डचेज का रास्ता सीधा है, डचेज के रास्ते में सीढ़ियाँ बनी है, क्योंकि देखो विजय वाटरफॉल के लिए दो रास्ते हैं। इस पहाड़ के उस साइड जो मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ, वो जो रिजगढ़ का रास्ता है वो भी इस पहाड़ पर आके निकल जाता है। एक मैंने आपको हस्तांचल का पहाड़ बताया, हम इसीलिए इधर से आए ताकि हस्तांचल पहाड़ का एक लुक दिखा सके। लेकिन वाह यार, सच में मेरे पास शब्द नहीं है, अनबिलीवेबल। अभी जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे, सिस्को टेक पे व्हाट इनसाइड द जंगल, यानी कि जंगल के अंदर कौन कौन सी खास लोकेशन है, जैसे कि नागद्वारी टाइप की, वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, लगातार अब आएगा। इस बार सिस्को टेक पे एक लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं मेरे दूसरे वाले चैनल पर काम कर रहा था, साइलेश नरवरी प्रोडक्शन वाला, भी चेक करें, उस पर मैंने एक मोटो ब्लॉग ट्रेवल फिल्म डाला है, उस पर आपको आते जाएगा कुछ ना कुछ, उस पर भी बिहाइंड द सीन,
हाउ आई सूट एंड मच मोर। अब आपने रम्या कुंड देखा होगा, बताना कैसा लगा। रम्या कुंड की फिल्म आई थिंक आप लोगों ने अभी तक देख ली होंगी। अभी मैं, आज है दिसंबर का पहला हफ्ता है ना, और दिसंबर का पहले हफ्ते में मैं शूट कर रहा हूँ डचेस एंड विजय वाटरफॉल। आपको देखते मैं कब तक दे पाता हूँ। आ जाएगा 8-10 दिन के अंदर, टाइम लगता ना यार, शूट में भी टाइम लगता है और अब कुछ मुझे एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। क्या बताओ, बहुत कुछ है इधर, ये देखो ये। ओके गाइस, फाइनली डचेस वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, विजया या विजय वाटरफॉल जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जो आपको हमने पिछले बार दिखाया था, यह है डचेस वाटरफॉल। भयंकर सुंदर है भाई साहब। और उसके बाद यहीं से देखो रास्ता दिख रही है आपको, थोड़ा और आगे डेंजर है और आगे चलेंगे अपन, उसके आगे अपना मेन वाटरफॉल मिल जाएगा अपने को, विजया वाटरफॉल या विजय जलप्रपात। आपको ध्यान रखना है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, कि आपको यहाँ तक तो पहले आना ही है, इसके आगे भी एक दो पॉइंट है अच्छे अच्छे, जैसे कि विजय वाटरफॉल जो कि आपने पिछले अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेवल फिल्म में देखी रम्या कुंड, उसी का पानी उस वाटरफॉल में आता है। आइए आगे चलते, ये लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, ट्रेवल फिल्म का लिंक भी वीडियो के नीचे दे रखा है, आप चेकआउट जरूर करें, देखते रहिए। लंबा सफर बाकी है, ये था एपिसोड 1 पार्ट 1। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको पार्ट नंबर 2 में, जिसमें इस यात्रा वीडियो ट्रेवल फिल्म को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अद्भुत और खतरनाक वाटरफॉल जल्द ही आने वाला है। इसमें हम लोगों ने जो आपको लोकेशन दिखाई, 3 से 4 लोकेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगी, और डचेस फॉल से आगे अपन और 1, 2 से 3 हिडन वाटरफॉल है, जिसकी अपन इस नेक्स्ट पार्ट में खोज करेंगे, और यात्रा ट्रेवल फिल्म आपको जल्द ही मिलेगी। इस यात्रा ट्रेवल वीडियो फिल्म को लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको पार्ट नंबर 2 के साथ। एपिसोड नंबर 2 में इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को और भी आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दे, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।